हेलो एवरीवन, सदा फियर। आज हम क्रॉफर्ड मार्केट के अपोजिट में जो लोहार लेन है, लोहार चौल जिसे बोला जाता है, उसे डिस्क्राइब करेंगे। यहाँ पर आप लोगों को घर की सारी नेसेसिटीज़ के सामान इजीली अवेलेबल है। किचन रैक से लेकर जितने भी किचन सेट्स होते हैं, बकेट, मग्स और किचन के वॉलपेपर्स और ये जो कपड़े सुखाने के रैक्स होते हैं, उसके अलावा आपको बैग्स वगैरह भी मिल जाएंगे। कबर्ड के जो सेक्शन के ड्रॉवर्स होते हैं वो भी आपको इजीली अवेलेबल है, और कर्टन्स वगैरह भी इजीली मिल जाएंगे आपको। जो जो आपको जो शेड्स में चाहिए होगा, प्राइसेस बहुत ज़्यादा रीजनेबल और अफोर्डेबल होता है। ये सारे डेकोरेशन के सामान्स भी आपको रैंडम ऐसे रोड पर मिल जाएंगे ये, और उसके अलावा बट आपको ये चीज़ ज़रूरी है कि आपका बार्गेनिंग स्किल्स क्या है। उसके अलावा स्टेशनरी की सारी चीज़ें, हर तरह की स्टेशनरी, मेकअप के प्रोडक्ट्स, सारी चीज़ें अफोर्डेबल प्राइसेस में है। मेकअप वगैरह भी बहुत चीप रेट्स में है। स्टेशनरी 10 रुपीज़ से स्टार्टिंग है। ये जैसा कि आप देख रहे हैं, ये कुर्ती वगैरह की शॉप है। इसका स्टार्टिंग प्राइस 400 से स्टार्टिंग है, और डिपेंडिंग अगर आप सेट्स लेते हैं तो 700 के अप्रॉक्स जाता है, और अगर आप रैंडम कुर्तीज़ लेते हैं तो 350 से आप बार्गेन कीजिएगा। उसके अलावा ये जो सारी हाउस होल्ड की चीज़ें होती है, स्ट्रेनर, चॉपर्स और जो भी सारी चीज़ें हैं, नाइफ़ वगैरह, ये भी आप लोगों को रीज़नेबल प्राइजेस में मिलती है। उसके अलावा जितने भी होम डस्टर्स वगैरह होते हैं, मेट्स होते हैं, सारी चीज़ें आपको ईजीली यहाँ पर मिलेगी। बट अगेन आई विल से कि यहाँ पर बार्गेनिंग स्किल्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी हम आपको सफ़ा सेंटर का दिखाते हैं। सफ़ा सेंटर ये एक ऐसी शॉप है, ये मॉल जैसा बनाया गया है, 3 फ्लोर्स का है। यहाँ पर आपको सारी क्रॉकरी से लेकर क्लोथ्स, बच्चों के कपड़े, चॉकलेट्स, सारी चीज़ें अवेलेबल है अफोर्डेबल प्राइजेस में। और इसके अलावा आप लोगों को यहाँ पर काफ़ी यूनिक चीज़ें भी देखने मिलेगी। बॉटल्स वगैरह का भी जो प्राइजेस है, स्टार्टिंग 30 रुपीज़ से स्टार्टिंग है। उसके अलावा टिफ़िन वगैरह भी सारी चीज़ें अवेलेबल है। और यहाँ पर भी आपको हेयर एसेसरीज से लेकर मेकअप, क्लचेस, ब्राइडल क्लचेस, ज्वेलरीज़ भी 30 रुपीज़ से स्टार्टिंग है। आप लोगों को अमेरिकन डायमंड वगैरह की ज्वेलरीज़ भी यहाँ पर देखने मिलेगी। और यहाँ पर भी अगेन आपको बार्गेनिंग स्किल आपकी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सफ़र सेंटर के जब आप फर्स्ट फ्लोर पर जाओगे तो आप लोगों को सारी इस किचन की क्रॉकरीज जो है, बहुत अच्छी डिज़ाइनर कलेक्शन है क्रॉकरीज़ के, जो भी है रीजनेबल प्राइजेस में है। बट उसके बाद भी आप लोगों को बार्गेन करना ज़रूरी है। ये जैसा कि आप ज्वेलरीज वगैरह देख रहे हैं, और ये सारी स्टेशनरी, बॉटल्स, टिफिन, ये आप लोगों को ग्राउंड फ्लोर पे देखने मिलेगा। जैसे ही आप जाओगे वहाँ पर तो पूरा लेफ़्ट और राइट दोनों साइड में मार्केट है। पूरा यहाँ पर आप लोगों को चॉकलेट से लेकर सारी चीज़ें अवेलेबल है। ये इंटरनेशनल चॉकलेट्स होती है, ये सारी इम्पोर्टेड चॉकलेट्स होती है, जो आप लोगों को जो इजीली मिलती नहीं है, सिर्फ मॉल्स वगैरह में मिलती है। तो ये जो सारी चॉकलेट्स आप लोगों को यहाँ इजीली मिल जाएगी, और काफ़ी डिस्काउंट रेट में है। एमआरपी पे 50% तक ऑफ होता है। उसके अलावा ये किड्स स्टोर है सफ़ा सेंटर में ही। इसमें आप लोगों को बच्चों के लेकर बड़े तक के सारी कलेक्शंस अवेलेबल है। मैक्सिमम साइज़ इसकी 15 ईयर के एज तक अवेलेबल। ये सफ़ा सेंटर का फर्स्ट फ्लोर है। अब यहाँ पर आप लोगों को सारे टाइप की क्रॉकरीज, बाथरूम के जो शेल्स वगैरह होते हैं, डस्टबिन, क्रॉकरीज़ के तो बहुत बहुत अमेजिंग कलेक्शंस है। अगर आप उसको डिटेल में सारी चीज़ें, उसका आर्ट वगैरह देखोगे क्रॉकरीज़ पे, तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। उसके अलावा यहाँ पर भी बकेट वगैरह भी अवेलेबल है। किड्स के थोड़े बहुत सामान है, बट किड्स का ज़्यादा नहीं है। ज़्यादातर फर्स्ट फ्लोर पे ऑलमोस्ट क्रॉकरीज ही है। क्रॉकरीज़ का अगर आप देखोगे तो इसके प्राइजेस 100 रुपीज़ से स्टार्टिंग है, और यहाँ पर लग्जरी से लग्जरी क्रॉकरीज़ भी आपको मिलेगी। वो थोड़ी कॉस्टली है, बट प्राइजेस जो है वो वर्थ इट है, क्योंकि अगर जब आप उसकी क्वालिटी फील करोगे तो आपको समझ में आएगा। मेलामाइन वगैरह की कंपनी के ब्रांड्स के हैं यहाँ पर सारे। और डिनर सेट्स वगैरह भी अवेलेबल है, बोल सेट है, जग के सेट्स है, सारी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल है। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं, मैंने पहले भी बताया कि यहाँ के कलेक्शंस काफ़ी अमेजिंग है। नाउ आमिर विल डिस्क्राइब मोर। जितना है तो शूज़ भी सब डाल दो भाई। ये देखिए, ये शूज़ का सेक्शन है। आपका नाम क्या भाई? सूरज यादव।
सूरज भाई, क्या क्या शूज़ मिलते हैं आपके पास, क्या क्या प्राइस में मिलते हैं बताएंगे? 250 है, 300 है, 350 है, 450 है, सब अलग अलग रेंज का है। 250, 300, 400, 450 में। ये देखिए पूरा सा सैलाब है, समंदर है शूज़ का। यहाँ 200 से स्टार्टिंग है, 200 से स्टार्टिंग है, और बच्चे से लेके बड़े से लेके किड्स और मीडियम साइज हर तरीके का आपको शूज़ मिल जाएगा यहाँ से। ये देखिए ये किड्स का पीस है 200 रुपीस का, ये भी 200 का है, ये भी 200 का है। ये देखिए ये भी 200 रुपीस में किड्स का, छोटे बच्चों का शूज़ है। इनके पास 200 से स्टार्टिंग है, बहुत अच्छे अच्छे मटेरियल आपको मिल जाएंगे बहुत रीजनेबल प्राइस में। ये 250 से 300 के रेंज में आएगा, लाइट वाला है, बच्चे जब चलते हैं तो लाइट जलती है इसमें, और ये काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है, छोटे बच्चे ज़्यादा पहनना पसंद करते हैं इसको। ये साउंड वाला है, देखिए इसमें चलने में साउंड आता है जो, ये भी 200 रुपीज़ का है। ये देखिए ये भी लाइट वाला है, इसका क्या प्राइस रहेगा? 350। ये 350 में आ जाएगा। ये जो आप देख रहे हैं सब फ्लावर वॉश है, इसका क्या प्राइस रहेगा फ्लावर वॉश का? 350 है, 300 है, 400 है, 500 है। 350, 400, 500 में आपको फ्लावर वॉश मिलेगा, ये सब आप जो देख रहे हो। और ये आपके पास सारी वैरायटी है हर तरीके की। ये देखिए ये चाय की केटली है। भाई साहब क्या नाम है आपका? अनिश। अनिश भाई आपके पास कैसी क्वालिटी की ग्लासेस? हमारे अच्छे अच्छे हैं, ब्रांडेड कंपनी का है, गिलास है, बियर मग है, वाइन गिलास है। बताइए क्या क्या है? जग है, फ्रूट बाउल है, केटली है, हैंड वॉश है, सिपर जार है, चाय आइटम। ये देखिए फ्रेंड्स ग्लास वेयर में इनके पास कितनी सारी क्वालिटी है, कितने सारे मटेरियल है, और प्राइस रीजनेबल रहेगा एकदम रीजनेबल। कुछ दिखाइए, मग ले लो 150 रुपये का, ये 150 रुपीस में, ये मग ग्लास का सही बोल देंगे 100 रुपीस का है, ये 100 रुपीस का है। ये क्या यूज़ में आता है? ये कुछ भी ड्राई फ्रूट रखने के लिए, चॉकलेट रखने के लिए, ये ड्राई फ्रूट्स और चॉकलेट रखने के काम में आता है। सिपर जार चाहिए, सिपर जार है 150 रुपये के, ये सब 150 रुपये में एक सिपर जार है। चाय कॉफी कुछ पी सकते हो इसमें, दूध लस्सी चाय कॉफ़ी, देखिए सिपर जार है ये 150 रुपीस में। बहुत सारी वैरायटी है इनके पास हर चीज़ में, ये 250 के तीन। और ये बड़े बड़े जार ऐसा पानी का जग 300 रुपये का है। ये आप जो देख रहे हैं देखिए सब फिश बॉल है, ये देखिए ये भी फिश बॉल है, डाइनिंग टेबल पे आप रख सकते हो, घर की शानो शोभा बढ़ जाती है इससे। ये फ्लावर बाउल है, ये तेल की बोतल है, ये स्प्रे वाला है राइट, इसमें स्प्रे करेंगे तो स्प्रे से तेल निकलेगा, ये हेल्थ कॉन्शियस लोग के लिए सही है, जितना तेल डालना है।